तो इतने बड़े संसार में अनेक भाषा और बोलियों बोली जाती हैं। गणना करने वाले कई कई लोग मानते हैं कि लगभग 3,000 से भी अधिक भाषा और बोलियां विश्व में फैली हुई हैं। इन भाषा और बोलियों का वर्गीकरण करना आवश्यक है ताकि इसका अध्ययन सरल हो सके। तो इनके अध्ययन के लिए, इनके वर्गीकरण के लिए कई आधारों को लिया जाता है, जैसे महाद्वीप, देश, काल, धर्म, पारिवारिक भाषा, परिवार के आधार पर भाषा इत्यादि के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। मैं हर एक का एग्जाम्पल कर देता हूँ आपको। जैसे मैं कहूँ महाद्वीपीय, महाद्वीप के आधार पर भाषा, भाषा ठीक है, महाद्वीप के आधार पर, महाद्वीप के आधार पर भाषा का ये हम भाषा वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। महाद्वीपीय भाषा मतलब हम कहते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप में प्रचलित भाषा, एशिया महाद्वीप में प्रचलित भाषा, ठीक है, यूरोपीय महाद्वीप में प्रचलित भाषा, तो महाद्वीप के आधार पर। दूसरा हो, दूसरे हम आधार ले सकते हैं देश के आधार पर भाषा, देश के आधार पर भाषा, देश के आधार पर भाषा, जैसे चीनी भाषाएं हो गया, भारतीय भाषाएं हो गया, है ना, यूरोपीय भाषाएं हो गई, तो ये क्या हो गया, देश के आधार पर भाषा। और काल के आधार पर भाषा, जैसे कि मैं लेता हूँ समय या काल के आधार पर भाषा, काल के आधार पर भाषा का वर्गीकरण, जैसे प्रागैतिहासिक कालीन भाषाएं, प्राचीन भाषाएं, मध्ययुगीन भाषाएं, आधुनिक भाषाएं, तो ये काल के आधार पर। और धर्म के आधार पर देखिए, किसके आधार पर, धर्म के आधार पर। अगर मैं धर्म के आधार पर देखूं तो हिंदुस्तानी भाषा, मुसलमानी भाषा, ठीक है, ये सब। और एक और वर्गीकरण का प्रकार होता है परिवार के आधार पर। परिवार के आधार पर वर्तमान में जो भाषा का सबसे उचित और औपचारिक वर्गीकरण है वो पारिवारिक भाषाओं के आधार पर है, ठीक है, यही जो है इसी के आधार पर भाषाओं का वर्गीकरण किया जाता है। हालांकि ये सभी अन्य भी इसके प्रकारों में आते हैं। चलिए हम देखते हैं कि पारिवारिक आधार पर भाषा का वर्गीकरण कैसे किया गया है और विश्व में प्रचलित जो भाषाएं हैं उनको कितने भाषा परिवारों में बांटा गया है, ठीक है। तो जो विश्व में प्रचलित जो भाषाएं हैं उनको कुल 13 भाषा परिवारों में बांटा गया है। एक सेकंड, विश्व में जो प्रचलित कुल भाषाएं हैं उनको कुल 13 भाषा परिवारों में बांटा गया है। उन 13 भाषा परिवारों में से केवल जो 4 भाषा परिवार है वो भारत में प्रचलित है, ठीक है, और वही 4 भाषा परिवार हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी प्रचलित है। तो हम देखते हैं कि वो 4 भाषा परिवार कौन से हैं। पहला जो है पहला भारोपीय, भारोपीय भाषा परिवार, भारोपीय भाषा परिवार, ठीक है। दूसरा जो है मुंडा या ऑस्ट्रो एशियाटिक, एशियाटिक भाषा परिवार। तीसरा द्रविड़, द्रविड़ भाषा परिवार। चौथा चीनी, चीनी तिब्बती, चीनी तिब्बती भाषा परिवार, ठीक है, चीनी तिब्बती भाषा परिवार। वैसे तो हमारा हिंदी जो है वो भारतीय भाषा परिवार के अंतर्गत आता है, लेकिन अन्य भाषा परिवार, ये 4 भाषा परिवार
प्रचलित हैं हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में। हम एक एक कर करके देखते हैं। पहला हम देखते हैं जैसे कि भारूपीय भाषा परिवार। आप यहाँ पे देख रहे हो ये भारूपीय भाषा परिवार दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ये भारत के भा और यूरोपीय के रूपीय से, मतलब भारत का भा और यूरोपीय का रूपीय, तो ये इन दोनों से मिलकर हमारा बना है भारूपीय भाषा परिवार। ठीक है, अब जो भारत में आने वाले इस भारूपीय भाषा परिवार में आने वाले भाषाओं के बारे में देखें तो एशिया में अगर देखते हैं तो यह भाषा इस भाषा परिवार के अंतर्गत निम्न देशों में प्रचलित है, जैसे कि बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया। तो इन देशों में जो भाषाएं प्रचलित हैं वो एशिया के अंतर्गत भारूपीय भाषा परिवार में आती है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम यूरोप की भाषाओं की बात करें तो इंग्लैंड हो गया, जर्मनी हो गया, रूस हो गया, पुर्तगाल, स्पेन इत्यादि देशों में जो भाषाएं प्रचलित हैं वो भारूपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, इसी भारूपीय भाषा परिवार को आर्य भाषा परिवार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्य भाषा परिवार कहते हैं। ठीक है, अब इस भारूपीय भाषा परिवार के अंतर समझते हैं। तो अगर भारत के संदर्भ में देखें तो भारूपीय भाषा परिवार की जो सबसे प्राचीन भाषा है वो संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा है और इसी संस्कृत भाषा से धीरे धीरे करके हमारी हिंदी भी पैदा हुई है, हमारी हिंदी की भी उत्पत्ति हुई है। और इसी संस्कृत भाषा से जो आदि जननी कहा जाता है उसी संस्कृत भाषा से हमारी छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्भव हुआ है। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको आगे और एक्सप्लेन करूँगा, तब तक मैं इन भाषा परिवारों को एक्सप्लेन करता हूँ। अगर मैं भारत के संदर्भ में देखूं और इनके बोलने वालों की संख्या देखूं, इनके प्रयोग करने वालों की संख्या देखूं, तो सबसे ज़्यादा जो प्रयोग किया जाता है वो भारूपीय भाषा परिवार का किया जाता है। इसके भारूपीय भाषा परिवार के प्रयोग करने वालों की संख्या लगभग 76% है, जिसे हम 70% कह सकते हैं। ठीक है, ओके और जो द्रविड़ भाषा परिवार है उसके प्रयोग करने वालों की संख्या लगभग 21% है। ठीक है, कितनी प्रतिशत? 21%। जो मुंडा भाषा परिवार या ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार जो विशेषकर जनजातियों में प्रचलित है, इन भाषा परिवार को प्रयोग करने वाले लोगों की संख्या भारत में लगभग 1.11% है। वही जो चीनी तिब्बती भाषा परिवार में शामिल हैं उनके प्रयोग करने वालों की संख्या 0.12% या समथिंग कुछ है, लेकिन 1% से ये कम है। ठीक है, ये जो भाषा परिवार है उसके प्रयोग करने वाले लोगों की संख्या है। अब जैसे मैंने बताया कि जो भारूपीय भाषा परिवार है उसे हम आर्य भाषा परिवार कहते हैं, तो इसी के अंतर्गत संस्कृत आता है। भारूपीय भाषा परिवार के अंतर्गत ही क्या आएगा? संस्कृत है, हिंदी है, मराठी, नेपाली, ठीक है, गुजराती इत्यादि भारूपीय भाषा परिवार के अंतर्गत शामिल है। और अगर मैं मुंडा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की बात करूं, तो जो मुंडा जनजाति में प्रचलित भाषाएं हैं वो इसके अंतर्गत प्रमुख है। जो जनजातीय भाषाएं हैं, अन्य जनजाति भाषाएं, वो मुंडा भाषा परिवार या ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत प्रचलित है। जो द्रविड़ भाषा परिवार है उसमें
हमारे भारत के दक्षिण भारत में प्रचलित जैसे कि तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषाएं द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं। और वही चीनी तिब्बती भाषा परिवार की अगर मैं बात करूं तो यह मुख्यतः भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में, राज्यों में जनजातियों में प्रचलित है। जैसे कि मिजो जनजाति, मिजो नागा, तमांग है ना, दफला, तो तमांग, दफला, मिजो, नागा इत्यादि जनजातियों में जो उत्तर पूर्वी राज्यों की जनजाति है उसमें चीनी तिब्बती भाषा परिवार बोली जाती है। अब अगर हम इसको छत्तीसगढ़ी के संदर्भ में या छत्तीसगढ़ प्रदेश के संदर्भ में देखें तो भारूपीय भाषा परिवार या आर्य भाषा परिवार जो है वो उसमें अधिकांश जनजातियों में प्रचलित भाषाएं भारूपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं। ये तो आर्य भाषा परिवार हो गया, ठीक है। मुंडा भाषा परिवार का प्रयोग जो है वो छत्तीसगढ़ में रहने वाली जनजाति मुंडा जनजाति द्वारा किया जाता है, ठीक है। और उसी प्रकार जो द्रविड़ भाषा परिवार है तो गोड़ जनजाति हो गई, दक्षिण मतलब बस्तर क्षेत्र की अधिकांश जनजातियों द्वारा जैसे मुड़िया, माड़िया, गोड़, ये सभी जो हैं वो द्रविड़ भाषा परिवार से जुड़े हुए हैं, ठीक है। चीनी तिब्बती भाषा परिवार की अगर बात करें तो जो तिब्बती शरणार्थी हैं जिनका बसाव हमने किया है, ठीक है, मैनपाट क्षेत्र में, सरगुजा क्षेत्र में, तो उनके द्वारा क्या चीनी तिब्बती भाषा परिवार का प्रयोग किया जाता है। वैसे चीनी तिब्बती भाषा परिवार की एक विशेषता ये होती है कि यह एक अक्षरी भाषा परिवार है, अर्थात हर एक शब्द के लिए एक अक्षर होता है, एक अक्षर से ही एक शब्द मतलब डिनोटेड होता है और इसमें व्याकरण नहीं होता और उसी शब्द का एक ही मीनिंग होता है और जिस जगह प्रयोग करते हैं वो उस अर्थ का वहन करता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं।